इस लोकतांत्रिक देश में फिर से वो शर्मनाक हरकत हुई है जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। चूंकि सरकार में बैठे कुछ तंत्र ऐसे हैं जो लगातार ऐसे लोगों को एक तरीके का शय प्रदान करते हैं। कोल्हापुर में जो घटना हुई है दर्शकों, मस्जिद पर चढ़कर जिस तरीके से मीनारों पर हथौड़े बरसाए गए हैं, मस्जिद की बेहुर्मती की गई है, मस्जिद में रखे गए उन तमाम किताबों को जिस तरीके से बिखेर दिया गया है, यह दर्शाता है कि सरकार अपनी कार्यशैली में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई इस घटना को लेकर के अब मुस्लिम समाज काफी ज्यादा आग बबूला होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी खबर को विस्तार से बताता हूं दर्शकों, लेकिन इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि स्थिति किस तरीके से बिगड़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम के तमाम इन बातों को लेकर के कार्रवाई का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन ये घटना क्यों घटी? और कमाल की बात तो ये है कि ये जो मार्च निकाला गया था, ये जो गुंडे तत्व के लोग थे, ये जो गंदी मानसिकता के लोग थे, ये पूर्व राज्यसभा मेंबर के नेतृत्व में निकाले गए उस रैली का हिस्सा थे। तो क्या उस पूर्व राज्यसभा को जेल के भीतर नहीं डाला जाना चाहिए? क्या देश में एक बार फिर से 6 दिसंबर की उस जो है वाक्य को दोहराने की कोशिश की गई? और लगभग आप कह सकते हैं कि वहां पर अगर लोगों ने रोकथाम नहीं की होती तो जाहिर सी बात है कि यह घटना एक बड़ी घटना में तब्दील हो जाती। पूरी खबर विस्तार से समझ लीजिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शर्मनाक करने वाली तस्वीरें सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई रिपोर्टों से पता चला है कि महाराष्ट्र के एक पूर्व सांसद के नेतृत्व में भीड़ ने राज्य के कोल्हापुर क्षेत्र में एक मस्जिद पर हमला किया और तोड़फोड़ की। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है दर्शकों कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है जिसमें भीड़ भगवा झंडा लेकर मस्जिद पर चढ़ी हुई है और हथौड़ों से मीनार तोड़ रही है। वही दूसरा शख्स भगवा झंडा लहरा रहा है, हिंदुत्ववादी भीड़ जय श्री राम के नारे भी लगा रही है और खास तौर पर संभाजी राजे छात्र जो है छत्रपति अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो है गाजपुर गांव में मस्जिद को तोड़ रही है। देखिए, संभाजी राजे नाम का ये संगठन है और इसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल हुआ। आप देखिए मुस्लिम समुदाय और उनके जो बड़े नेता हैं इसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये काफी ज्यादा अहम बात हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात कि जो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है या फिर ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय जो दंगा फसाद भड़काता है, आज आप देखिए कि कोल्हापुर में जो गाजपुर गांव है वहां पर जब मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, क्या उसके बाद किसी भी जगह पर किसी भी तरीके की हिंसा हुई मुस्लिमों के द्वारा? नहीं हुई है। तो ये सरकार जो है लगातार बदनाम करने का काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर के जो ट्वीट किया है उसमें जो बातें लिखी है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया दर्शकों, और काफी ज्यादा जो है उन्होंने ये बताया है कि काफी ज्यादा भयभीत करने वाली खबर है, घटना है। उन्होंने 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने वाले दिन का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। वैसे अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं, 6 दिसंबर जारी है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आपकी सरकार के तहत एक मस्जिद पर भीड़ के जरिए हमला किया जाता है या कानून के शासन पर हमला है, लेकिन आपकी सरकार को इसकी चिंता नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को बैलेट के माध्यम से जवाब देना चाहिए ताकि आपकी पार्टी AIIMIM के उम्मीदवार आगामी चुनाव में जीते और भीड़ और उन्हें संरक्षण और समर्थन देने वाले राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को रोका जा सके और उन पार्टियों कि चुप्पी को याद रखें जो दावा कर रही है कि उन्होंने नैतिक जीत हासिल की है। ये देखिए, ये बड़ी बात जो है असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कही गई है। और दरअसल इसके बाद साफ तौर पर ये चर्चा चल रही है कि अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुस्लिम समाज जो जागता हुआ नजर आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ इम्तियाज जलील ने भी
ठीक उस तरीके की ही बात कही है। वन मोर टाउन सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स एंड पार्टीज अगेन साइलेंट, यानी कि जो सेकुलर पार्टीज है वो साइलेंट है फिर से एक बार, और वो इन मुद्दों को लेकर के किसी भी तरीके से बोलने से बच रहे हैं। दिस इज द न्यू इंडिया वेयर गुंस कैन कन्वीनियंटली डिस्ट्रॉय मस्जिद एंड पुलिस विल रिमेन म्यूट स्पेक्टेटर। दिस वॉज इन कोल्हापुर महाराष्ट्र वेयर द गुंस नॉट ओनली डैमेज ए मॉस्क बट इवन बीट अप मुस्लिम वीमेन एंड चिल्ड्रन बाई फोर्सिंग। और ये तमाम बातें जो है उनके द्वारा लिखी गई है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो ये घटनाएं घटी है, जाहिर सी बात है कि इस घटना को लेकर के अब कहीं ना कहीं सरकार को जो है जवाबदेह बनना पड़ेगा। वहीं वसीम अकरम त्यागी ने एक पोस्ट लिखा है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गाजपुर में उपद्रवियों ने मस्जिद को निशाना बनाया गया, धार्मिक किताबों को नुकसान पहुंचाते हुए मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया गया। अगर इन उपद्रवियों पर बुलडोजर नहीं चला तो समझ लेना कि बीजेपी सरकारों में निष्पक्षता का जो ढोल है फट चुका है। उन्होंने इस तरीके से जो है इस पूरी बात को जो है रखने की कोशिश की है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर के जो अपनी पक्ष को रखा है, लेकिन अब जो मुहर्रम को लेकर के एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो फलस्तीन के झंडा फहराने को लेकर के बात कही गई हो या फिर और घटनाएं, दरअसल उसको लेकर के भी गिरफ्तारी जो है वो लगातार होती चली जा रही है। यहाँ पर अशरफ हुसैन नाम के एक व्यक्ति ने पोस्ट लिखा है, गोपालगंज मुहर्रम के जुलूस में फलस्तीन का झंडा, डीजे एवं घातक अस्त्र शस्त्र पर प्रतिबंध, और उन्होंने इस ट्वीट को लिख करके सभी को चिताया। वहीं वारिस पठान ने एक जो है पोस्ट लिखा है, हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, पुलिस प्रशासन सो रहा है क्या? हमारे सीएमओ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी से मांग है कि जो भी लोग इसमें शामिल है, जिन्होंने मस्जिद को तोड़फोड़ की, मारपीट की और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की है, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। उन्होंने ये बड़ी मांग कर दी है दर्शकों। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में ताजिए को लेकर के भी कई बड़ी जो है खबरें आ रही है, चूंकि मुहर्रम है और मुस्लिम समाज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए कि मुहर्रम के जुलूस में फलस्तीन का झंडा लेकर के जो लोग जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR तक लिखी जा रही है। शौकत अली एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लिखा है, संभल में बरसों से ताजियादारी की जो की जा रही है, मुहर्रम के जुलूस में 60 फीट के ताजिए बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार संभल पुलिस ने उस ताजिए को 12 फीट के ऊपर बनाने की अनुमति नहीं दी, जिसे संभल के जो अकीदतमंदों में मायूसी है। हम संभल के शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं, और उन्होंने और भी सारी बातें लिखी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए दर्शकों, तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और साफ तौर पर जो है यहाँ पर मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। अशरफ हुसैन ने एक और पोस्ट लिखा है, बिहार के नवादा में मुहर्रम जुलूस के दौरान फलस्तीन का झंडा फहराने के आरोप में 3 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी कि जब और कई देशों के झंडे फहराए जाते हैं, जब इसराइल के झंडे को लेकर के उस तरीके के जो है संगठन, जो है हिंदू संगठन खास तौर पर जो है सरकार से पोषित संगठन है, वो जब सड़कों पर निकल करके इस तरीके के झंडों को लहराते हैं फहराते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन फलस्तीन का झंडा लेकर के जब सड़कों पर मुहर्रम में लोग निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR तक की जा रही है। हालांकि फलस्तीन को लेकर के भारत का पक्ष क्या रहा है, किस तरीके का एजेंडा रहा है, सरकार ने UN में भी फलस्तीन के समर्थन में ही अपने वोट का इस्तेमाल किया था, उसके बावजूद भी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो घटना कोल्हापुर के गाजपुर में घटी है दर्शकों, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उसके बावजूद भी सरकार इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। और महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में ये घटना घटी है और इसको राजनीतिक एंगल से भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा राज्य है दर्शकों। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में
एनडीए को बड़ा झटका लगा है। और दरअसल इस वजह से ही अब जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इससे पॉलिटिकल फायदा उठाने की भी कोशिश की जाए, चूंकि पूर्व राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके नेतृत्व में ये जो है पूरा का पूरा जुलूस निकाला गया था और वहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। तो जाहिर सी बात कि इतने कम महीने रहते हुए, जबकि महाराष्ट्र में चुनाव है, इतने संवेदनशील जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे और क्या इसको लेकर के जानबूझ करके सरकार जो इस तरीके की घटनाओं को होने दे रही है ताकि उसका राजनीतिक फायदा उन्हें मिल सके, चूंकि विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है। क्या इसमें ये बड़ा एंगल हो सकता है? इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।